Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज ना आया। एलओसी पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश। पाक फौज ने ड्रोन मार गिराया। क्वाडकॉप्टर का मलबा भी कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की भारत को अमरीकी ड्रोन्स की फरहामी की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया कहते हैं, भारत को ड्रोन्स की फरहामी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन रहेगा। भारत दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता है। ये जो दो इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू मुजरिम, एक तरफ जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सबसे बड़े डाकू हैं। नवाज शरीफ ने चोरी की, फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। इमरान खान के एक बार फिर ताक ताक कर लफ्जी वार, कहते हैं वो मुल्क जिसमें जुल्म और तबकाती निजाम हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन का निजाम लाने की बातें करने वाले भूल गए कि वहां धरनों की कोई गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल का कप्तान को तुर्की बातुर्की जवाब। United States has a responsibility to help us fix the mess that we have inherited from the Soviet war in Afghanistan. नून लीग के 25 अरकान कौमी असेंबली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। पिंडी के शेख जी ने नई पेशगोई कर दी, कहते हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद है वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में बैठे हैं। दुनिया में कोई ऐसा वजीर खजाना नहीं जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का ठप्पा हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आइंदा इंतखाबात के निकात पर फिक्रमंद, कहते हैं सियासतदानों और पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन हालात में 2018 में इलेक्शन होते नहीं देख रहा। करप्शन खत्म करने के लिए अनोखी तजवीज भी दे दी। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट नामुकम्मल है, जिस तरह फौज के बगैर मुल्क नामुकम्मल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के बगैर मुल्क नामुकम्मल है, पार्लियामेंट के बगैर भी मुल्क नामुकम्मल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की मुखालफत कर दी। कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, किसी सूरत कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि इंसाफ बराबर नहीं है इस मुल्क में। नवाज शरीफ कब आ रहे हैं सर? नवाज शरीफ मैं तो पहले ही कह चुका हूँ नहीं आएगा। अब वापस नहीं आएंगे। मुकदमात का सामना करना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं। डॉक्टर आसिम का दावा, कप्तान पर भी तंज के तीर चला दिए। बोले इमरान खान का काम ही माफी मांगना है, वो माफी मांगने के लिए ही पैदा हुए हैं। बैक पर साबिक वजीर आजम अपने वादों से मुकर गए। सरबरा ANP असफनयार वली का पशीन में खिताब, कहा फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम होकर रहेगा। फजलुर रहमान और अचकज़ई की मुखालफत समझ से बालतर है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प अस फिक्स द मेस दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान। जंग हमने जीती, ट्रॉफी अमेरिका के हिस्से में आई। खित्ते में बेअमनी का जिम्मेदार अमेरिका है। वजीर दाखला की खरी बातें, कहा पराई लड़ाई में नुकसान हमारा हुआ। उसामा बिन लादेन का फोन और फैक्स नंबर अमेरिका के पास था, हमें तो पता तक नहीं था। और हादसा समय लोगों की मदद करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी के बनाए इदारे को एक नई मुश्किल का सामना। कब्जा माफिया ने दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारे को भी ना बख्शा। हट्टा में इहदी मराकिस की जमीनों पर बाअसर अफराद का कब्जा। लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं लोगों ने तो वोट नहीं दिए, समझ नहीं आता इतने वोट कैसे पड़ गए। मारूफ सहाफी अहमद नूरानी पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का हमला। जीरो पॉइंट जंक्शन पर रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया। अहमद नूरानी अस्पताल में जेर इलाज। सरबरा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की अस्पताल में अहमद नूरानी।
सिंध में तालीमी इमरजेंसी के नाम पर तालीम से खिलवाड़, 8 साल में 1000 अरब रुपए खर्च करने का दावा, जमीनी सूरत हाल बिल्कुल उलट, 6000 स्कूल बंद, 21000 स्कूल में बैतुल खला ही नहीं, 33000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं, तलबा की तादाद में कमी और असातिज़ा की तादाद में इजाफा हो रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिक्शा ड्राइवर पर तेज धार आले से हमला, जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल, चाकू से हमला गुलिस्तान जौहर में वारदातें करने वाले मुलजिम ने ही किया या नहीं, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में हेर फेर का इल्जाम, साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी पर फर्दे जुर्माए, रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं की, इल्जाम गलत है, जफर हिजाजी का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। चेयरमैन नैब का पहला नोटिस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के खिलाफ तहकीकात की हिदायत, NTS के खिलाफ पेपर्स आउट होने, बदउनवानी समेत दीगर इल्जाम के तहत तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब कहते हैं तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दे सकते। वज़रा की ऐवान में अदम हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट का पारा हाई, कहा वज़रा-ए मुमलिकत और मुशीरों की इतनी बड़ी फौज ऐवान में क्यों नहीं आती, पार्लियामेंट नहीं आ सकते तो मुस्ताफी हो जाए, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के 70 साल, दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सिहा, कराची से गवादर और मेहरान से बोलान तक शहर शहर रैलियां, मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए सेनेट में करारदाद, मिशाल मलिक कहती हैं भारत में जानवरों की इज्जत है मगर कश्मीरियों की नहीं। फॉस्फरस शेल्स, शूटर गन्स, ग्रेनेड अटैक्स, पेपर गैस, यू नेम इट एंड दे आर यूजिंग ऑल दोस इलीगल लीथल वेपन्स ओवर देयर। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत के हुसूल तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे, वजीर आजम का दो टोक ऐलान, तर्जुमान पाक फौज कहते हैं भारतीय मजालिम से कश्मीरियों का आजादी का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मुलजिम को पुलिस के हवाले करने का हुक्म, मुफ्ती अब्दुल कवी के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट चंद रोज में पुलिस को मौसूल हो जाएगी। अलीपुर में जहरीली लस्सी से जान बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई, 6 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, दिल खराश वाकई में मरने वालों को आहों और सिसकियों में खाक के सुपुर्द कर दिया गया, नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों का इम्तिहान, दौड़ लगाते हुए कई उम्मीदवारों का हाल बेहाल, 1 मील की दौड़ में कई उम्मीदवार रास्ते में ही गिर पड़े। तैयार, कज़ाफी स्टेडियम में आएगी क्रिकेट टीम बाहर, श्रीलंकन सिक्योरिटी वफ्द का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात और टीम प्रोटोकॉल का जायजा, सिक्योरिटी इदारों की फुल ड्रेस रिहर्सल, 10,000 अहलकार तैनात होंगे। तीसरे T20 से पहले टिकटों के हुसूल के लिए मारामारी, नजम सेठी ने VIPs को ठेंगा दिखा दिया, बोले मैच देखना है तो टिकट खरीदना पड़ेगा, पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी तीसरा मैच देखने लाहौर आएंगे। I think it's great to have international sports come back to Pakistan, especially cricket, which is the biggest sport in Pakistan. Pakistan's in the bad, I'm in your corner. Let's go. एक छत तले दुनिया भर की किताबें, फूलों के शहर पेशावर में बुक फेयर, इल्म अदब से शगफ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत।
अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस का मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ और सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रक्षकरी सेक्टर में जासूसी करने वाले भारतीय ड्रोन को मार गिराया। पाक फौज के शूटर्स ने क्वाड ड्रोन को महारत से निशाना बनाया। क्वाड कॉप्टर का मलबा भी पाक फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। भारतीय ड्रोन रक्षकरी सेक्टर में जासूसी कर रहा था। भारतीय ड्रोन को पाक आर्मी के शूटर्स ने मार गिराया। मजीद तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ शौकत पराशा से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शौकत, अब भारत बाज नहीं आएगा क्या? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब भारत की तरफ से एक क्वाड कॉप्टर के जरिए जासूसी की जा रही थी और वो भी एलओसी पर। आपको मालूम है कि अमेरिका भी भारत को ड्रोन दे रहा है और मिलिट्री पर्पस वाले ड्रोन है, तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के चौकस जो दस्ते वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अब तो शूटर्स के जरिए इसको मार गिराया है। क्वाड कॉप्टर भारत का था जो एलओसी पर रक्षकरी सेक्टर पर जासूसी के लिए आया हुआ था, और इसका रैकेज जो मलबा है यानी वो भी पाकिस्तान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और यूं जो जासूसी की कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बराजा आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं, जिन्होंने आज हर पाकिस्तानी को 1,20,000 रुपए का मकरूज बना दिया। दीरबाला में जलसा आम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उन्होंने अमीरों के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून बनाया। आज छोटे चोर को जेल भेजा जाता है और बड़े डाकू का VIP एहतसाब हो रहा है। जो तो इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू मुजरिम, एक तरफ जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ, इनके 9 सालों में आज 1,20,000 कर्जा चढ़ चुका है हर पाकिस्तानी पे। छोटे चोरों की सारी चोरी की कीमत लगा लो तो नवाज शरीफ का एक लंदन में मेफेयर के महल के बराबर है। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, कप्तान हर जलसे में कहते हैं कि सिंध में एंट्री दी है लेकिन तमाम जलसे फ्लॉप होते हैं। PTI के जलसे में 7 से 10 अफराद तक ने शिरकत ना की। ड्रामा करने वालों को कदर ने खुद सजा दे दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चाहे इकट्ठे कर ले, 10 जमाते, 11 जमाते, 15 जमाते, एक क्रिकेट टीम बना ले, दो बना ले, जो कुछ कर ले, सिंध के आवाम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो के साथ गए फिर ये ड्रामा किया गया कि ये दरवाजे बंद कर दिए। अगर दरवाजे बंद किए तो शाह महमूद कुरैशी जो छलांग मार के जगह तो पहुंचे। इसके साथ फिर कल जो हुआ वो सबने देख लिया। शाह महमूद को जबान संभाल के बात करनी चाहिए। शाह महमूद अब एक और अहम वाक़े की बात करते हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ ईदी फाउंडेशन से मुताल्लिक है। अब्दुल सत्तार ईदी के बनाए इदारे को इस वक्त नई मुश्किल का सामना है। ठट्टा में बासर अफराद ने ईदी मराकज की जमीनों पर कब्जा जमा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुदरती आफत हो, कोई हादसा या फिर सांसें डोल रही हों, यही वो ईदी मराकज हैं जहां से एक कॉल पर एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू एहलकार जिंदगी बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन आज इन मराकज पर बासर अफराद कब्जा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सेंटरों पे इस तरीके से इन्होंने कब्जा किया। हम मुसलसल लड़ते रहे, इंतजामिया की मदद भी लेते रहे, लेकिन उनके साथ मकामी सियासतदान भी मिले होते थे। ईदी इंतजामिया का कहना है कि इंसानियत के ये दुश्मन 30 साल से कायम वेलफेयर सेंटर्स को गिरा रहे हैं ताकि इनकी जगह कारोबारी मराकज कायम कर सकें। बिल्किस ईदी का दावा है कि 1985 से ठट्टा में कायम सेंटर पर भी कब्जा कर लिया गया है। उन्हें ईदी एम्बुलेंसेज और अमले की सिक्योरिटी के खदशात भी लाहक हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के वसाल के बाद ईदी सेंटर पहले ही फंड्स के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं, जिसका इजहार फैसल ईदी बारहा कर चुके हैं। लेकिन इस नई इफ्तदा ने फलाही मरकज को मजीद खतरनाक सूरतहाल से दोचार कर दिया है। आज ईदी सेंटर अपनी सलामती के लिए परेशान है।
अब्दुस्सत्तार ईदी ने हजारों बेसहारों को सहारा दिया, पहनने को कपड़े और रहने को साइबा फराहम किया। उनकी वफात के बाद भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 335 मराकज और 1500 से जायद एम्बुलेंसेज उनके मिशन की तकमील में रवादवा हैं। रियासत की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने वाले अब्दुस्सत्तार ईदी, जिन्होंने पाकिस्तान भर में एम्बुलेंस का नेटवर्क बनाया, दुनिया में पाकिस्तान का खूबसूरत और मददगार चेहरा रोशनास करवाया। दुखियों का काम करना मेरा काम है। पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले अब्दुस्सत्तार ईदी भारतीय शहर गुजरात में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके कराची आए और फिर अवाम की खिदमत को ईमान बना डाला। इस इदारे ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया और फिर एम्बुलेंस सर्विस को भी फलाही बेड़े का हिस्सा बनाया। ईदी फाउंडेशन के जेर निगरानी सैकड़ों फ्री नर्सिंग होम्स, यतीम खाने, क्लिनिक्स, बेसहारा औरतों और उम्र रसीदा अफराद के लिए शेल्टर होम्स के साथ साथ मुनशियात के इलाज और बहाली सेंटर भी काम कर रहे हैं, जहां से करोड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ईदी साहब आखिरी दम तक इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल रहे और मरने के बाद भी अपनी आँखें अतिया कर गए ताकि ईदी की रोशनी आगे से आगे बढ़ती रहे। कंकोट में भी ईडी सेंटर की इमारत पर पुलिस ने कब्जा कर लिया और ईडी सेंटर वालों को सड़क पर बिठा दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट ईदी सेंटर में और आप लोग और आप लोगों को ये दिखा चुके हैं फोटो में कि ये पूरी बिल्डिंग 15 पुलिस के कंट्रोल में है, मगर ईदी सेंटर की ये जो खिदमत है वो दिन और रात 24 घंटे आवाम के लिए जारी है और ये 24 घंटे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, रास्ते पर बैठकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आम की खिदमत कर रहे हो। 24 घंटे यहाँ हम बैठे हैं, अवाम अलनास की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बिल्डिंग ये जो बनी हुई है सब 15 वालों में 15 वालों के हवाले हैं और 15 जो पुलिस वाले हैं सारा उनका कब्जा है और हम यहाँ रास्ते पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। कोई हमें आपका हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां ईदी फाउंडेशन के प्लॉट के एक हिस्से पर बासर अफराद का कब्जा है। अदालती फैसलों के बावजूद इंतजामिया अब तक ये कब्जा खाली नहीं करा सकी है। मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, अब तक ये हिस्सा खाली क्यों नहीं कराया जा सका? हैदराबाद में ईदी फाउंडेशन की कितनी जायदादें हैं और यहाँ पर यही सूरत हाल है, क्या ऐसा भी कोई प्लॉट है जिस पर कब्जे वाली सूरत हाल है? जी मेरा साहब बताइएगा। हैदराबाद में तीन ऐसे सेंटर्स हैं जो कि वाक़ है गाड़ी खाते के अंदर, एक है लतीफ़ाबाद में, एक आला नाका खुर्शी टाउन के अंदर जो है मौजूद है। लतीफ़ाबाद में हमारा जो ईदी हॉस्पिटल है बिल्किस ईदी हॉस्पिटल वो है अपना आटोबान रोड पर वाक़ और यह 74,962 स्क्वायर फीट के ऊपर मुश्तमिल है। इसके ऊपर कब्ज़ा माफिया की जानिब से 15,000 स्क्वायर फीट पे जो है काबजीन है और इसकी बारहा हमने हर जैसे ही जो है कब्ज़ा करने की कोशिश हुआ करती थी, हम जो है मुतलका थानों को और अपना अदालत में अपना एसपी को तमाम को इत्तलाएं दी गई, लेकिन कोई उसका ईडी फाउंडेशन के प्लॉट के एक हिस्से पर बास अफराद का कब्जा ताहल बरकरार है। हैदराबाद से वसीम खान हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईदी फाउंडेशन के छट्टा मराकज का तनाजा हुकूमत सिंध ने हल कर दिया। अदालती हुकुम पर खाली कराए गए मरकज की मुतबादल जगह हुकूमत सिंध ने फराहम कर दी है। कमिश्नर हैदराबाद ने फैसल ईदी मरकज के लिए दो मुकामात की निशानदही कर दी, तहम अगर वो चाहें तो किसी तीसरे मरकज तामीर करने के लिए जमीन दी जाएगी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान, ईदी सेंटर पर कब्जों से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फला इंसानियत की खिदमत करने वाले ईडी फाउंडेशन की ठट्टा में वाकया अराजी पर कब्जे से मुतालिक जो है वो फैसल ईडी और बिल्किस ईडी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से ख़ास हिदायत जारी की गई, जिसके बाद हैदराबाद के कमिश्नर ने जो है वो फैसल ईडी से मुलाकात की। आज उनका ये कहना था कि फैसल ईडी जहाँ चाहें जिस सरकारी अराजी पर चाहें जो है वो अपना ईडी सेंटर कायम कर सकते हैं, क्योंकि मरहूम ईडी सत्तार का मिशन है ये उसी तरीके से जारी है, लेकिन कुछ मुश्किलात का शिकार बिल्कुल ईदी जो फलाह इदारा ईदी सेंटर है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देता है। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम हिदायत ज़रूर जारी की गई है और सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि ईदी सेंटर्स के जो इनके मसले मसाइल हैं, जो फैसल ईदी की जाफुजात का इजहार किया गया है, उनको जल्द हल किया जाएगा।
जी ठीक है फैजान जलीस बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट में भी ईदी सेंटर्स पर कब्जों का मामला जेरे बहस आ गया। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ठट्टा में ईदी सेंटर्स पर कब्जे हो रहे हैं, कब्जा माफिया ने फोन तक काट दिए। फैसल ईदी भी कह चुके हैं कि हुकूमत से मामले पर राबता किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐवान बाला हुकूमत सिंध से जवाब तलब करे कि समाजी इदारे की राह में रुकावटें खड़ी करके हम दुनिया को आखिर क्या पैगाम दे रहे हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। अगर सिंध हुकूमत को ये कहा जाए कि एक खिदमत करने वाला इदारा है इंसानियत की, वैसे तो इंसानियत की खिदमत के इदारे सारे मफलूज हो चुके हैं। अगर एक इदारा अपनी मदद आपके तहत खिदमत कर रहा है उसके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही है, वो मजबूर हो के उन दफातर को उन मराकज को बंद कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हम दुनिया को क्या मैसेज देते हैं। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ ही वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बड़ी खबर देते हैं कि कराची बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस अहम खबर की डिटेल लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस ने हमें ज्वाइन किया है। फैजान बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है। जी बिल्कुल सानिया, बल्दिया फैक्ट्री केस के अहम किरदार मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी को दुबई में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है लेकिन अब तक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई लेकिन जराए का ही कहना है कि हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया जाए। आइंदा से चंद रोज बाद हम्माद सिद्दीकी को जो है वो पाकिस्तान भी मुंतकिल किया जाएगा जबकि इसके अलावा हम्माद सिद्दीकी एमकेएम केटीसी के इंचार्ज के ओहदे पर फाइज रहे। हम्माद सिद्दीकी की हिदायत पर बल्दिया फैक्ट्री को नजर आतिश किया गया था जिसके नतीजे में 250 के करीब अपराध जो है वो जिंदा जलकर जाबाक हो गए थे। तमाम मुतादित मुकदमात में भी हम्माद सिद्दीकी का नाम जो है वो नामजद है और मुतादित मुकदमात में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर लैंड ग्रैबिंग के मुकदमात में भी हम्माद सिद्दीकी का नाम जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। लेकिन आइंदा चंद रोज में हम्माद सिद्दीकी को जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और उनसे तफ्तीश की जाएगी तो अहम नामों पर से पर्दा उठेगा। फैजान जलीस साहब हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जेयूआईएफए के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आज सियासी जमातें 2018 का इलेक्शन और उसके बाद का मंजरनामा देख रही हैं लेकिन हमें फिक्र है कि क्या हम 2018 के इलेक्शन का मंजर देख पाएंगे या नहीं। क्वेटा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह दीगर इदारे मुल्क के लिए नागुजीर हैं और इनका एहतराम वाजिब है इसी तरह पार्लियामेंट भी नागुजीर है और अवामी नुमाइंदों का एहतराम भी लाजिम है, करप्शन के खात्मे के लिए इख्तदार हमारे हवाले किया जाए। मंजर हम देख सकेंगे या हुकूमतें बनाने के हमारे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेंगे या नहीं, बाकी करप्शन का खात्मा ही चाहिए और आप समझते हैं कि ये नासूर है इसको काट फेंक देना चाहिए। जो भी इदारा सोचता है कि हम आजाद हों जब तक अवाम की कुव्वत पाकिस्तानी कौम की पूरी कुव्वत उसके साथ नहीं होगी वो शायद ये मकसद हासिल ना कर सके। आज हर सतह पर सियासतदानों का मजाक उड़ाया, आज पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों उड़ाया जा रहा है। हमें जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट को मुस्तहकम करना पड़ेगा। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नामुकम्मल, जिस तरह फौज के बगैर मुल्क नामुकम्मल, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के बगैर मुल्क नामुकम्मल, पार्लियामेंट के बगैर भी मुल्क नामुकम्मल। आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के एक बार फिर हुक्मरान जमात पर वार, कहा मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान असेंबली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। दुनिया में कोई ऐसा वजीर खजाना नहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ठप्पे वाला हो। उनका कहना था कि जिन पर फर्द जुर्म आयद है वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में बैठे हैं। गुज़िश्ता 70 साल में 40 अरब कर्ज लेकिन हुकूमत ने 4 साल में 35 अरब डॉलर का कर्ज लिया। अरकान असेंबली नून लीग के हवाले से वो कहते हैं 25 अरकान असेंबली नून लीग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई वजीर खजाना नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ठप्पे वाला हो। मेरी जेब में ये 25 एमएनएस की लिस्ट है जो जनूबी पंजाब में इनको सलाम अलैकुम कहने के लिए जाकर माने हुए बैठे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ये साबित हो जाए एक आदमी पे करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग पे फर्द जुर्म ठप्पा लग गया है वो उस मुल्क का वजीर खजाना है।
एक वजीर का नाम बताए जिसमें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम हो और वो वजीरों की महफिल में बैठे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में गद्दार तो नहीं कहना चाहिए, चोर और डाकू बैठे। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की, जिनका कहना है कि जिस दिन तहरीक इंसाफ की पटीशन की सुनवाई हो गई तो हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, रिकॉर्ड से शहबाज शरीफ फंस जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा माहिरीन नून लीग में हैं। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने की इजाजत को अदालत में चैलेंज कर दिया है। वो मुल्तान में अवामी मुस्लिम लीग के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मैच के सामने पेश कर दिया गया तो शहबाज शरीफ फिर आप भी कटहरे में आ जाओगे। मुल्तान की मेट्रो का हवन हमने नहीं पकड़ा, चीन की सिक्योरिटी एक्सचेंज ने। ये मुल्तान की मेट्रो का मुनाफा है और एक कैसा मुनाफा, बसे खाली, स्टेशन खाली, मुनाफा कैसे हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो यहाँ से काला पैसा भेजा जाता है? इसके माहिरीन सबसे ज्यादा किसी जमात में है, अनहोनी होनी हो गई। कौन सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें इस तरह बेदखल करेगा? खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आज के साथ रहिए।